लास्ट का दिन है, उस दिन के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था होगी, विगत 6 महीनों से जो मीटिंग हो रही है उसमें लगातार इस पर चर्चा हो रही थी और ये पूरी तरह तैयार हो गया है। और जैसा कि आपको कल ही हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान, चाहे वो डाइवर्जन प्लान हो, आदि शेयर कर दिया था। इसमें जो सबसे पहले बात आ रही है कि किस किस रूट को प्रतिबंधित किया जाएगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि दो अप्रोच अपनाया गया है। एक तो ट्विन टावर के आसपास के जो सड़कें हैं उनको लेके, दूसरा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को लेके। ट्विन टावर के आसपास के जो कनेक्टिंग रोड हैं, विशेषकर जो चारों ओर हैं और उनको जोड़ने वाले और मार्ग हैं जो ट्विन टावर की ओर आते हैं, तो दिनांक 28 तारीख को ही सुबह 7 बजे से उसको बंद कर दिया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा अभी DCP सेंट्रल सर ने बताया आपको कि काफ़ी लोग सुबह निकलेंगे, तो एक उनकी सुविधा को ध्यान में रख के ये भी रखा गया है कि 7 बजे तक आप लोग निकलें, तो हम लोग 7 बजे तक निकलने देंगे ट्विन टावर के आसपास से बाहर की ओर, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग ही हम लोग जो बाहर से व्हीकल अंदर आती है अननेसेसरी उनको बिल्कुल बंद कर देंगे। और आसपास की जो ट्विन टावर के डाइवर्जन की बात है, चाहे वो गेझा की तरफ से हो, LDCO की तरफ से हो, वो गेट पैटर्न पे रोड जुड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग के द्वारा उसको बैरियर लगाया जाएगा। और जैसा कि हम लोगों ने गूगल मैप में अपडेट किया है सेम डे के लिए, उसमें ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा एक मैप बना है और एक मैप जो आपको लाइव अपडेट देता है, दोनों में ही आपको स्वतः ही डाइवर्जन दिखने लगेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात है, उसको हम बहुत ही कम समय के लिए बंद करना चाह रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं, यद्यपि वो रविवार का दिन है तो हम उम्मीद करते हैं कि अन्य दिन की तुलना में वाहन कम आए, तो ये जो बंद होगा ब्लास्ट के करीब जो टाइमिंग है उससे 15 मिनट पहले, और जैसे ही हमें अंदर से सिग्नल मिलेगा जो बता रहे हैं कि डस्ट सेटल हो जाए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको पुनः खोल देंगे। ये 30 मिनट तक हम लोग रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समय बढ़ जाए तो उसको हमें, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और जो डाइवर्जन प्लान है हमारा, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी एक्सप्रेसवे में गाड़ियाँ रुकी नहीं रहे, तो अगर आप नोएडा से चलते हैं तो महामाया से एक डाइवर्जन किया जाएगा सेक्टर 37 की तरफ होते हुए, सेक्टर अंडरपास 71 होते हुए लोग परथला होते हुए आगे निकल जाएंगे। उससे पहले भी अगर हम देखेंगे, हमारे पास जैसा मैप है, यहाँ पर मैप में पूरी तरह ये गूगल मैप में है प्लॉट किया गया है, आगे भी आपको एक्सप्रेसवे जब तक हम प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो एक आगे कहा गया कि ये एक मान लें मीडिया चैनल से कभी कभी 8 टीम या 4 टीम आते हैं, तो उन लोग अपना रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए अपना, मतलब एक तरफ, क्योंकि बाकी लोगों को भी हम लोग चांस देना है, या है पर्याप्त जगह है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि ये एक मीडिया चैनल ने बताया कि हमारा नेशनल है, फिर UP है, फिर मध्य प्रदेश का चैनल है, इस तरह का अलग अलग आएंगे, तो वी अंडरस्टैंड आपको जगह भी होगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट बाकी लोग अगर आ रहे हैं तो फिर थोड़ा आप सेल्फ रेगुलेशन आपका ही है, एंड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस दिन मौके पे रहेंगे, एंड आप सभी लोगों के लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर है, कमशेड की तरफ से डिप्यूट किया गया है, ही इज़ मिस्टर रजनीश, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा 2nd सर्कल, तो इनका नंबर आप कृपया करके नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के पास नंबर होगा, तो कोई भी इशू है ही विल बी ऑन द स्पॉट, हम रहेंगे वहाँ पे, कोई भी दिक्कत है तो हमको बता दीजिएगा, अदरवाइज़ एक बार हम लोग स्पॉट विजिट कर सकते हैं। और सुपर टेक एमरल्ड में 660 फ्लैट्स है, इसमें गाड़ियाँ भी हैं, 1600 गाड़ियाँ हैं ATS विलेज में, और सुपर टेक एमरल्ड में 1500 गाड़ियाँ हैं, तो इतना गाड़ियों को भी ये लोग पूरा का पूरा खाली करना है। एवैक्यूएशन में हमारा टीम वहाँ सोसाइटी के बाहर इन लोगों को मदद करेंगे, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए DCP ट्रैफिक साहब अपना तरफ से वहाँ ड्यूटी भी लगा दिया गया है। वहाँ शाम को आज दोनों सोसाइटीज़ के बाहर एक हेल्प डेस्क हम लगा देंगे, वहाँ पे हमारा 2 लोग वहाँ तैनात रहेंगे, कोई भी क्वेरी हो उन लोगों को, हम उन लोगों को क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग वहाँ हेल्प डेस्क लगाएंगे।
आज शाम इसलिए ये लोग खाली कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड है एंड छुट्टी है, और ये लोग फ्राइडे से ही खाली करने के लिए ये लोग खुद अपना तरफ से खुद निर्णय लिया गया था। इसमें मेन इशू है जो संडे कितने बजे इन सबको एग्जैक्टली 100% खाली होना है, वो टाइम है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे हम लोग डेडलाइन फिक्स किया है, तब तक आज शाम से लेके पूरा का पूरा खाली होके संडे सुबह 7 बजे तक दोनों सोसाइटीज़ को 100% एवैक्यूएशन हो जाएंगे। देखिए, ट्रैफिक की एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई है और लगातार इसको अपडेट भी किया जा रहा है। अपडेट करने का मतलब उसको रिपीट करके दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हमने गूगल मैप में आपको पूरे ट्रैफिक प्लान को ब्रीफ किया है। बेसिकली ट्रैफिक जो हमारा प्लान है सेम डे के लिए, जिस दिन ब्लास्ट का दिन है, ट्विन टावर के आसपास के जो कनेक्टिंग रोड हैं, विशेषकर ट्विन टावर को घेरने वाले रोड और उसको जोड़ने वाले रोड, उसको सुबह 7 बजे से ही प्रतिबंधित किया जाएगा, बैरियर के माध्यम से रोका जाएगा। लेकिन ट्विन टावर के अंदर सोसाइटी से कोई गाड़ी बाहर जाती है तो उनको बिल्कुल जाने दिया जाएगा। दूसरा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की बात है, ब्लास्ट के समय जो दोपहर का समय 2:15 से आप 2:45 कह सकते हैं, वो समय आगे पीछे भी हो सकता है, तो ब्लास्ट के समय से 15 मिनट पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को बंद किया जाएगा। और उससे पहले हमने डायवर्जन करेंगे, नोएडा से आने की बात हो तो हम महामाया से डायवर्जन होगा और थोड़ी दूर आगे अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो हम उस गाड़ी को आगे से लेकर 108 के पीछे जो हमारा निकलता है गेजा की तरफ, वहाँ भी मोड़ सकते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा से आते हैं तो पुस्ता रोड भी है और पड़ी चौक भी है, लेकिन मेजर जो आपके डायवर्जन हो गए एक्सप्रेस वे के लिए, वो महामाया होगा नोएडा की तरफ से और पड़ी चौक होगा ग्रेटर नोएडा की तरफ। कैसे कैसे ट्रैफिक पुलिस लगाएगी? देखिए, ट्रैफिक पुलिस के जो पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट हैं, एक बैरियर पॉइंट है, डायवर्जन पॉइंट है, इमरजेंसी कॉरिडोर है, पार्किंग व्यवस्था है, सामान्य ड्यूटियाँ हैं, और जिस जगह ब्लास्ट के आसपास की ड्यूटी है से बाहर की ड्यूटी है कि अन्य जगहों पर जाम ना हो, वो है कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, जो गूगल मैप में लगातार ट्रैफिक का अपडेट लेंगे। हम ट्रैफिक बुलेटिन भी जारी करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हर 15 मिनट में, ताकि कोई असमंजस की स्थिति ना हो। सुरक्षा को लेकर क्या बात है? सुरक्षा को लेकर जितने भी सारी तैयारी डीसीपी सेंट्रल साहब ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर दिया है।